कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि लंबे बाल कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग लंबे बाल करने के लिए शैम्पू, कंडीशनर, ऑर्गेनिक चीज़ें और पता नहीं क्या क्या सर पे लगा के अपने और ज़्यादा बाल खराब करते हैं, जिसका उनको सही मित नहीं पता, जिसके कारण उनके बाल बहुत ज़्यादा और डैमेज और ख़राब हो गए। आज मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए बताऊँ कि लंबे बाल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ लंबे बाल कैसे जल्दी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि लंबे बालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और तेल। तेल के ऊपर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, जो लोगों के दिमाग में मिथ था तेल का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसे देखिए, तेल लगाना सही है या नहीं है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ लंबे बाल। अगर आपने बहुत ही जल्दी अपने बालों को लंबा करना है तो दोस्तों एक ही बात अपने दिमाग में रखना, पहले तो सबसे पहले बात दोस्तों, आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारी मनी वेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो एक कोने में पड़े रहते हैं और बाद में वो किसी काम के नहीं होते और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों आपके लंबे बालों का, वो है डाइट। जी हाँ, अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप बाल बढ़ा रहे हो दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जरूरत आपको प्रोटीन की पड़ेगी। ये याद रखना आप दिमाग में बात, कि अगर आपने लंबे बाल करने हैं तो आपको प्रोटीन की डाइट की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल बाल आप बढ़ा रहे हो, कटवा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल डाइट खा रहे हो उससे चलता है। अगर आपने लंबे बाल करने हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको प्रोटीन थोड़ा हाई करना पड़ेगा। अगर प्रोटीन हाई करोगे, उसी से ही आपके बाल जल्दी ग्रो करेंगे और घने होंगे। अगर दोस्तों हम लेडीज़ की बात करें, तो लेडीज़ के ज़्यादातर बाल लंबे होते हैं, उनके ही सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं और उनके ही बालों में ज़्यादा हेयर फॉल क्यों आता है, क्योंकि उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी होती है। क्योंकि उनके जितने लंबे बाल होंगे, वो लंबे बाल तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसके लिए हमें प्रोटीन भी हाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रोटीन हाई होगा, आपके बाल उतने शाइनी, उतने अच्छे और उतने ज़्यादा मोटे होंगे, उतनी थिकनेस में रहेंगे, आपके बाल कभी भी हेयर फॉल में नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है, जब भी आपने अपने बाल लंबे करने हैं तब आपको अपना प्रोटीन थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोटीन हाई होगा, तभी आपके बाल लंबे, मजबूत, घने रह सकते हैं दोस्तों। और ये तेल वेल ये चीज़ों को आप छोड़ के अगर आप डाइट के ऊपर डिपेंड करें, तो आपके बाल जल्दी घने और लंबे होंगे दोस्तों। उसमें दोस्तों जब भी आप अपनी डाइट खाएं, चाहे लंच, डिनर, कुछ भी करें, उसमें आपका प्रोटीन होना लाजिम होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन ही आपके बाल बढ़ाएगा। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा दोस्तों, तो मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपके बाल तो ज़रूर लंबे होंगे, लेकिन उसका हेयर फॉल और थिननेस होगी, थिकनेस नहीं होगी, क्योंकि बाल जब बड़े होते हैं तो वो प्रोटीन मांगते हैं। प्रोटीन जब आप दोगे अपने बालों को, तब भी आपके बालों में थिकनेस आएगी, आपके बाल सुंदर होंगे, शाइनी होंगे और लंबे होंगे। अगर आपके बालों में प्रोटीन की कमी होगी दोस्तों, तो आपके बाल भी थिन होंगे, पतले होंगे और हेयर फॉल में आना शुरू हो जाएंगे। जब हेयर फॉल में आना शुरू होंगे तो दोस्तों वो लंबे जितने आप बाल करते जाओगे, उतने झड़ते जाएंगे और गंजापन भी आ सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना, आप कुछ भी खाइए, आपकी हर एक डाइट में, हर एक मील में आपका जो प्रोटीन है वो होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से ही हमारे नेल्स, प्रोटीन से हमारे बाल, प्रोटीन से हमारी स्किन, हमारे मसल्स ग्रो होते हैं। तो प्रोटीन डाइट में लेना वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब भी आपने बाल बढ़ाने हैं तो प्रोटीन आपका हाई होना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।